नमस्कार दोस्तों, ये आज एक गैस गीज़र करने के लिए आए हैं। अभी आप देखेंगे कि ये गैस गीज़र, देखिए अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये देखिए एकदम धमाके के साथ में स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है और आप अपने घर पे इसको ठीक कर सकते हो। ये देखो अभी हम नल जो है बंद कर दिया है, उसके बाद भी फ्लेम चल रही है किसी के कारण। देखिए देखिए फ्लेम चल रही है, नल बंद है। कई बार क्या होता है कि जब हम सीज़न में स्टार्ट करते हैं, सर्दियां आते ही कर बंद करते हैं, तो दिक्कत यही आती है कि इसको ऑफ़ करने के बाद भी, तो इसमें ये जो देख रहे हैं ये एसवी, आप इसको निकाल लें। इसमें होता क्या है कि ये एल्युमिनियम की होती है, इसकी फिटिंग जो होती है, ये जो असेंबली जिसमें हम ये पाइप कसते हैं गैस का और जिस पे एसवी लगी हुई होती है, तो ये कॉइल का जो ये रबड़ देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल वाइट हो रखा है। एक तरह से ये इस पे कार्बन आया हुआ है, आप अंदर भी देखेंगे तो ये देखिए अंदर भी कार्बन लगा हुआ था, उसकी वजह से गैप बन जाता है और गैस लीक करता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो कोई भी सूती कपड़ा ले करके आप इसको अच्छे से साफ़ कर दें, दोनों चीज़ों को, रबड़ को भी और पाइप को भी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इसको अच्छे से क्लीन करके तभी चलाएं। कभी भी इस प्रकार से जैसे ये धमाका होता है तब, और ये देख रहे हैं ये जो रबड़ होता है, ये जो सील होती है, इसको लगाना ना भूलें। अगर आपने इसको नहीं लगाया तो गैस लीक करेगा और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस रबड़ को लगाना है और फिर इसको आपने टाइट कर देना है, स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें। अब देखिए हम चला रहे हैं, अब ये नॉर्मल चल रहा है, अब इसमें कोई वो नहीं है। अब इसको कितनी बार बंद करो, नल को बंद करोगे तो बंद हो जाएगा आराम से। ये देखिए नल बंद कर रहे हैं हम, ये नल बंद कर दिया, ये आपका फ्लेम भी बंद हो गया है। नल ऑन कर रहे हैं, फ्लेम स्टार्ट हो रहा है, कोई धमाके के साथ नहीं हो रहा। उसमें वो जब गैस लीक करती है तब वो धमाके के साथ करता है। इसमें ये गैस कंट्रोल होता है, ये वाटर कंट्रोल होता है। हम कई बार क्या करते हैं कि इसमें कई गीजरों में वाटर कंट्रोल की जगह टेम्परेचर कंट्रोल लिखा होता है, तो जहाँ मैक्सिमम है यहाँ पे पानी मैक्सिमम आएगा, और जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल लिखा होता है उसमें यहाँ